लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू से विवादों में रहा कैथल मतगणना से कुछ ही घंटे पहले फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब की बार मामला अति संवेदनशील है, जहां वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई ईवीएम मशीन की मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई एलईडी में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जगह पंजाबी गाने चलते दिखाई दिए, जिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक बताया है। हमारे साथी यहां बैठे हुए थे और इससे ये आपके पीछे देख रहे होंगे, ये एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, इससे आगे तो जाने नहीं देते। यहाँ पे बैठ के, इसके आसपास बैठ के हमारे साथी दिन रात जो 25 तारीख रात से यहाँ बैठे हैं और आज तक बैठे हैं, ईवीएम की निगरानी के लिए बैठे हुए हैं भी कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो आज जब वो साथी यहाँ बैठे थे तो उनके सामने जो एलईडी स्क्रीन पर गाने और एक नाटक सीरियल जो आता है उस टाइप की एक वीडियो प्ले हुई, 5-7 मिनट वो चली, उसके बाद कुछ अधिकारी आए, उसके बाद वो चीज़ें हुई। जा सकता अगर ऐसी ऐसे सेंसिटिव जगह पे भी अगर ऐसी ऐसी, देखो आपके सामने वीडियो चल रही है, 2 वीडियो हैं ऐसी, अगर ये हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। बता दें कि मामला सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है, जब सभी अधिकारी मतगणना की रिहर्सल को लेकर तैयारी कर रहे थे, तभी RKSD कॉलेज के हॉल के बाहर लगी एलईडी में स्ट्रॉन्ग रूम की रिकॉर्डिंग की बजाय पंजाबी गाने चलने लगे। इस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, सुनिए। मैं रामजीलाल, सचिव जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कैथल, बतौर यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी पे था, तो क्या हुआ कि ये जो ओपन वाईफाई था वो कनेक्ट हो गया, इस वजह से किसी के स्क्रीन पे गाने चल गए थे, वो हमने 1 मिनट में तुरंत ही वेंडर को बुला के और रेक्टिफाई कर लिया था, तुरंत कर लिया था। तो सर वाईफाई कनेक्ट होने से नेट चलता है, गाने कौन चलते? नहीं, वो किसी ने चला रखे थे गाने, तो वो उस स्क्रीन पे वो गाने आ गए। तो क्या मानते हैं कि गाने चलाना, ये जो एलईडी है सर वो किस काम के लिए लगाई हुई है? ये तो स्क्रीन के लिए लगाई हुई है, ये इसमें इंस्टीट्यूट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इसको कैच कर लेता है, तो वो बाय चांस वो हो गया, उसके बाद में मैंने तुरंत 1 मिनट के बाद में वो रेक्टिफाई करवा लिया। सर मेरा सवाल है, इसमें विजुअल्स जो चल रहे हैं वो किसकी, क्या स्ट्रॉन्ग रूम के हैं, ईवीएम से? वो सारे स्ट्रॉन्ग रूम के हैं, ईवीएम के हैं, जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वो है। तो सर इसके बारे में क्या कुछ खामियाँ मिली हैं जिसने ये? खामियाँ तो नहीं कह सकते इसको, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिक कई बार पकड़ कर लेता है, तो वो तुरंत 1 मिनट के बाद में हमने रेक्टिफाई कर लिया वो उस मामले में। व्यक्ति कैंपस का ही था या बाहर का व्यक्ति था? अब इस बारे में तो कोई वो नहीं है हमारा, ये तो देखना पड़ेगा। हैं जी, हैंग वगैरह हुआ था कोई या? ना ऐसा कुछ नहीं था, हैंग का कोई वो नहीं है, वो कई बार ओपन कनेक्ट हो जाता है वाईफाई से, तो इस वजह से वो इंस्ट्रूमेंट में कोई थी प्रॉब्लम। मौके पे गए थे, गाने चलते मिले? नहीं ऐसा कुछ, मेरे आने मैंने तुरंत उनको भेजा, टेक्निकल स्टाफ को, उन्हें तुरंत बंद कर दिया और रेक्टिफाई हो गया था वो। क्या चल रहा था जब आपके? मैंने देखा नहीं जी, मैं उधर अंदर था। अब पूरे देश की निगाहें हरियाणा पर टिकी हुई हैं। कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।